क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नल जल योजना के दो पानी की टंकी ध्वस्त, आसपास के लोगों में मची भगदड़। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। सड़क दुर्घटना में चार लोग बुरी तरह से घायल, घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। छठा अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु महासम्मेलन, डॉक्टर वाल्मीकि प्रसाद को दिया गया अवार्ड। बाल दिवस के अवसर पर आनंद मेला का आयोजन, चाचा नेहरू की प्रतिमा पर दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के साथ। खबर बेतिया से है, जहां नरकटियागंज प्रखंड के मलदहिया पोखरिया पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 15 में नल जल योजना के दो पानी की टंकी ध्वस्त हो गई, जिसके बाद ये गांव में चर्चा का माहौल बन गया और टंकी ध्वस्त होने से आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। वहीं इस मामले पर वार्ड सदस्य सह अध्यक्ष के पति ने बताया कि यह योजना साल 2018-19 की है, लेकिन नल जल का कार्य वर्ष 2020 के बाद पूरा हुआ और इस योजना में 17,16,100 रुपए की लागत लगी है। खबर मोतिहारी से है, जहां अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा पूर्वी चंपारण के तत्वाधान में मोतिहारी स्थित सिंह हॉस्पिटल के सभागार में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर नागमणि सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि वीरता में तो ये लोग पहले ही से माहिर रहे हैं और जोश की भी कहीं कमी नहीं है, तो कमी सिर्फ हो जा रहा है होश का। थोड़ा सा होश संभालें और सब लोग एक दूसरे से थोड़ा सा यूनिटी इस्टेब्लिश करें, ताकि हम लोग समाज को एक नई दिशा दे सकें, क्योंकि हम लोग समाज के तो रक्षक रहे हैं, इस राज्य इस देश का राजा भी रहे हैं, लेकिन हमारे जो समाज का जो अभी दुर्गति है वो बयान से परे है, तो वो दुर्गति से हम फिर समाज को उसी स्तर तक ले जाएं, और वो तभी संभव है जब होश से, प्रेम से और एकता पूर्वक एक दूसरे का सहयोग करें। हमारे जो बाबू वीर कुंवर सिंह थे, साहसी थे, पराक्रमी थे, ब्रिटिश शासन का नींव हिला चुके थे, उनके आदर्श पर चलना हम अपने समाज को संगठन के माध्यम से प्रेरित करेंगे। और हमारे गार्जियन डॉक्टर नागमणि सिंह जी जो आपसे बात किए हैं कि हम लोगों के क्षत्रिय में जो ईगो है, ईगो जब तक नहीं हटेगा तब तक हम लोग एकजुट नहीं हो सकते, इसीलिए हम चाहते हैं कि ईगो हटा के हम अपने क्षत्रिय समाज के लिए कुछ करें, इसी में हम लोगों की भलाई है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया के बगहा से है, जहां पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और चोरों के पास से बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया। वहीं इस मामले में बगहा एसपी ने बताया कि लगातार इन दिनों बाइक चोरों की घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर बगहा पुलिस जिला में एक टीम गठित कर छापेमारी कर रही है। पिछले विगत कुछ माह से, एक दो माह से वाहन चोरी का जो है शिकायत काफ़ी मिल रहा था, वाहन चोरी बढ़ी हुई थी। इसी क्रम में वाहन चोरी गिरोह को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया था, उसी टीम को एक सफलता मिली है, जिसमें एक चोरी का बाइक बरामद हुआ है, एक मोबाइल बरामद हुआ है और 5 लोगों का अरेस्टिंग किया गया है। खबर
पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां गन्ना पिराई का सत्र शुरू होने से पहले ही पूर्व डीएम के निर्देशानुसार नगर परिषद क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसे देखते हुए कई अतिक्रमणकारियों ने स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। काफी समय से सड़क के दोनों तरफ जो ठेला लगता था, खासकर सब्जी वाला ठेला लगता था, उनको काफ़ी समय से बोला गया था और आज अनुमंडल पदाधिकारी से दंडाधिकारी नियुक्त करा के, जिसमें से हमारे सीओ साहब दंडाधिकारी नियुक्त हुए, दंडाधिकारी नियुक्त करा के और एसएचओ साहब को लेके एवं वीडियो साहब को लेके हम लोगों ने उस पर अतिक्रमण हटाया है, जिसमें कुछ लोगों ने विरोध किया था, उसको उनकी उचित उनको वो करते हुए शांत कर दिया गया है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां के नरकटियागंज की बेटी गुनगुन वर्मा ने पंजाब में अपना परचम लहराया। बता दें, गुनगुन वर्मा कक्षा 9 की छात्रा है और उन्होंने पंजाब के एक टीवी प्रोग्राम किसमें कितना है दम के ग्रैंड फिनाले में परचम लहराकर पूरे बिहार समेत पश्चिम चंपारण का नाम रोशन किया और ग्रैंड फिनाले में बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। इस दौरान परिवार समेत नगरवासियों में खुशी का माहौल देखा गया और परिजनों ने मिठाई खिलाकर छात्रा को बधाई दी। पंजाब का एक शो है किसमें कितना है दम, उसका पता मुझे ऑनलाइन चला, फिर मैंने ऑनलाइन ऑडिशन फाइट किया और फिनाले के लिए मैं वहाँ गई थी और उसमें मैं जीत के आई हूँ। इस शो के लिए मुझे प्रेरणा देने वाले टीपी वर्मा कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष आदित्य स्वरूप हैं और हमारी जो माननीय विधायक हैं रश्मि वर्मा मैम, उन्होंने मुझे पेरेंट्स के रूप में और टीचर के रूप में मुझे गाइडलाइन दिया। मैं इन सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ और मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, मेरी बहन, इन सबके सपोर्ट से मैं यहाँ तक आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि इन सबका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिले और मैं आगे भी बिहार का नाम रोशन करूँ। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में छापेमारी कर अलग अलग आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वहीं इस मामले पर इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने आरोपियों के अपराध के बारे में बताते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। छापेमारी में कुल 4 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, जिसमें एक लाल बाबू पासवान बहुवरवा निवासी को 4 लीटर देसी शराब के साथ पकड़ा गया है, एक व्यक्ति शराब पीने में पकड़ा गया है, एक दहेज के मामले में और एक धारा 307 के मामले में पकड़े गए, चारों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज सहोदरा के मुख्य मार्ग के अलग अलग क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना में 4 लोग जख्मी हो गए। आनन फानन में जिनको इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया। एक्सीडेंट
पकड़ी ढेला कि फोन कैल खलो तो हम अनिया भागल घर नियर से एगो उनकर बेटी मुआ रही है बुढ़ऊ के हमारा भाई के सारी जेठ सारी है बुढ़ऊ के बेटी है उनके फूँ को क्यावत नहीं है सह बुढ़ऊ कहत रहन चल नरगटिया हमारा के छोड़ दे लगे हम लौरिया चल जाए मम्मी घर चल जाए हम चौक पर से हो गए डी के सी गापुर पड़ा गर्निया होता ही तो फोन कैल कोई तो हम घूम के कहीं से आवत इनका बाइक और कार के साथ एक्सीडेंट हुआ है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हेड इंजुरी और इनका प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद इनको बेतिया रेफर किया गया है और दूसरे हैं सुनील सिंह और तीसरे रामेश्वर राय और चौथे सलोक कुमार। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है जहां नरकटियागंज न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स में पेराई सत्र आरंभ हो गया और सील के आरंभ होने पर मिल में विधिवत पूजा अर्चना कर 90 लाख क्विंटल लक्ष्य के साथ गन्ना की पेराई आरंभ की गई। वहीं इस दौरान कार्यपालक अध्यक्ष चंद्र मोहन ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से पिछले 2 साल गन्ना किसानों को नुकसान हुआ है। तो गन्ने पे है ना अभी इस साल थोड़ा कवर करते लेकिन प्रकृति ने नहीं करने दे रही 2 साल से। तो पिछले 2 साल भी गन्ना काफ़ी था, ऐसा नहीं है, करीब करीब 80-80 लाख हमने किया है जबकि 1,12,00,000 गन्ना उपलब्ध था। तो आप समझिए इस 3 साल में लगभग किसान को, अब एक नरकटियागंज के किसान को करीब 350-300 करोड़ रुपए का डायरेक्ट लॉस हुआ। खबर बक्सर से है जहां सनातन सांस्कृतिक समागम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान माइक खराब हो जाने से केंद्रीय राज्य मंत्री को गुस्सा आ गया और संत समागम के वॉलंटियर को केंद्रीय राज्य मंत्री ने धक्का दे दिया। इतना ही नहीं, पोडियम में लगे माइक को उन्होंने गुस्से में मोड़ दिया। वहीं इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें 15 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 9 राज्य के मुख्यमंत्री के अलावा 5 राज्य के राज्यपाल, 2 राज्य के उप मुख्यमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। खबर मोतिहारी से है जहां 6ठे अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु महासम्मेलन के दौरान वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड डिवाइन साइंस वाराणसी के संस्थापक एवं अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह एवं देश के विदेश आए लगभग 150 विद्वान के द्वारा जिले के केसरिया प्रखंड अंतर्गत नया गाँव निवासी प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय एवं अध्यात्म गुरु आचार्य डॉक्टर वाल्मीकि प्रसाद को अवार्ड सम्मान प्रदान किया गया। वहीं इस दौरान गोल्ड मेडल शील्ड एवं सर्टिफिकेट के साथ बिहार प्रदेश को वाइस प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किया गया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद
बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर नवादा से है जहां ज्ञान भारती स्कूल परिषद में बाल दिवस के मौके पर आनंद मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के विभिन्न प्रकार का स्टॉल लगाए, जिसका उद्घाटन प्रचार श्री राम सिंह के द्वारा किया गया। वहीं इस दौरान प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी गई और आयोजन में भारी संख्या में अभिभावक व शिक्षक मौजूद रहे। आज के दिन का बच्चे बड़े प्यार से इंतजार करते हैं कि चाचा नेहरू के जन्मदिन आए तो हम लोग को एंजॉय करने का मौका मिले। और इसी के अंतर्गत आज यहां आनंद मेला लगा हुआ है मेरे स्कूल में और बच्चे पूरे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बच्चे अपनी दुकानें खोले हुए हैं उससे मजा ले रहे हैं और बच्चे दूसरे हैं उसमें घूम टहल करके दूसरी चीज़ों का खा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। खबर सहरसा से है जहां पटना एसटीएफ टीम ने पुलिस की सहायता से बनमा मोड़ के पास बाइक सवार दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारों के पास से 5 पिस्टल, 10 मैगजीन सहित 2 मोबाइल फोन बरामद किया। बता दें पुलिस ने तस्करों पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। हस्ताक्षरी को गुप्त सूचना मिली कि वनमा थाना क्षेत्र में हथियार तस्कर का एक ग्रुप हथियार की खरीद बिक्री करने के लिए आ रहा है, तो वनमा थाना अध्यक्ष श्री सुनील कुमार भगत के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हथियार तस्कर की गिरफ्तारी की। क्या सब बरामद हुआ? 5 पिस्टल है और 10 मैगजीन। ये दोनों अपराधी कहाँ के रहने वाले? ये दोनों अपराधी से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ये खुलासा हुआ कि दोनों अपराधी खगड़िया के चौथम थाना के। खबर रोहतास से है जहां बिहारियों को प्रदेश छोड़कर रोजगार के लिए पलायन करना पड़ा, जबकि रामविलास पासवान ने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम किया। वहीं इस मामले को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के लोगों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिवार को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री के सत्ता में होने के बावजूद एक भी उपलब्धि हासिल नहीं की गई है। कहीं ना कहीं उपेंद्र जी जब बाएं दाएं बगल झांकने लगे तो समझिए कि वो दल बदलने की तैयारी में। ये उनका इतिहास रहा है। एनडीए में भी जब केंद्र में वो सरकार में थे उस वक्त भी इसी तरीके के बयान उनके आने शुरू हो गए। मुख्यमंत्री जी से भी जब अलग उनको पहले भी होना था तब भी इसी तरीके की बयानबाजी उनकी शुरू हो गई थी। क्या वो नहीं जानते भैया आप संसदीय बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं, आपका ये बयान देना सीधा आप ही की सरकार और आपके मुख्यमंत्री पर उंगलियां उठाएगा। हम लोग तो बोलते ही, हम लोग तो विपक्ष के हैं भाई, हम तो बोलेंगे कि शराबबंदी विफल, और हम लोग सिर्फ कहने के लिए नहीं बोलते, हकीकत है। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं